शब्दार्थ के बाद सुप्लेख को आपका एक पेज राइटिंग शब्दार्थ और सुप्लेख, इसके बाद मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में सोचिए और बताइए, है ना, सोचना है और बताना है, आप ही सोचेंगे आप ही बताएंगे ना, लेसन पढ़ा है हमने, तो सोचना भी आपको है बताना भी आपको है। गुलिवर लिलीपुट कैसे पहुंचा? गुलिवर लिलीपुट इसलिए पहुंच गया क्योंकि जब गुलिवर का जहाज टूट गया था तो वो गुलिवर के शहर में तैरते तैरते पहुंच गया। हाँ, गुलिवर का जहाज, इसे आप अपनी भाषा में लिखेंगे, तीनों आंसर्स आप स्पेम करेंगे। गुलिवर का जहाज समुद्री तूफान में फंस गया था और वह तैरते तैरते लिलीपुट शहर में चकनाचूर के किनारे पहुंच गया। गुलिवर की मैम फिर और कोई नहीं बचा था फिर गुलिवर के साथ? मैम अब फिर तो फिर गुलिवर का जहाज टूट गया मैम, तो फिर सारे लोग जो जहाज में बैठे हुए थे ना मैम, मैम वो सारे कहाँ गए? अब ये हमारी कहानी में नहीं है, ये हमारी कहानी का पार्ट नहीं है। सतीश पालीवाल बोल रहा है? यस मैम। हाँ बेटा, हमारी कहानी में तो गुलिवर के बारे में ही बताया गया है ना, गुलिवर के साथियों का क्या हुआ इसके बारे में तो नहीं बताया है, तो हमें वो जानने की भी जरूरत नहीं है। मैम आप सबको म्यूट कर दो। हाँ, हमें यह जानना है कि गुलिवर आप सबको म्यूट कर दो कैसे पहुंचता है, ठीक है? और गुलिवर की सेकंड क्वेश्चन है, गुलिवर की यात्रा आपको कैसी लगी? इसका आंसर गुलिवर की यात्रा हमें गुलिवर की यात्रा हमें बहुत मजेदार लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत रोमांचक लगी, है ना? तो जैसे मैं बहुत आश्चर्यचकित लगी। आप अपने आप इसका आंसर स्वयं से करेंगे। तीसरा प्रश्न है, अपने देश वापस लौटकर सबसे पहले गुलिवर ने क्या किया होगा? जब गुलिवर लिलीपुट से अपने देश पहुंचा तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा? गुलिवर जब अपने देश वापस से पहुंचा होगा तब वो अपने घर वालों से जाकर गले लगा होगा। गले सबसे पहले वो और मैम गुलिवर ने अपने विचित्र यात्रा के बारे में सबको बताया होगा। हाँ, गुलिवर जब अपने देश वापस लौटा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? अपनी विचित्र यात्रा के बारे में सबको बताएगा, है ना? और वहाँ सभी लोगों को लिलीपुट वासियों के बारे में बताएगा। लिलीपुट में वह पहुंचा, वहाँ लिलीपुट में ऐसे ऐसे लोग रहा करते थे, उनके घर ऐसे थे, तो लिलीपुट वासियों के बारे में बताएगा, अपनी विचित्र यात्रा के बारे में बताएगा सबसे पहले, है ना? या आप लोग जैसा सोचते हैं, जैसे अभी जिसने कहा कि सोचा कि उसने सबसे पहले वो गले लगेगा, तो जैसा आपका सोचना है ना, आप जो अनुमान लगा रहे हैं वो लिखिए, ठीक है? कोई जरूरी नहीं कि जो आंसर मैं बता रही हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वही आप सोचें। आपका सोचना अलग होता है ना, बच्चे अपने हिसाब से सोचेंगे गुलिवर घर जाते ही क्या करेगा। जैसे एक बच्चे ने बताया कि वह गले लगेगा, हो सकता है दूसरा बच्चा बोले कि वह बहुत खुश होगा और सबको अपनी यात्रा के बारे में बताएगा, सबको कुछ देगा, जो आपके मन में आता है वो आप लिखेंगे। तीनों प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ हमेशा, तीनों के प्रश्न के उत्तर आप स्वयं से लिखेंगे, अपने माइंड से लिखिए, सोच कर लिखिए, लेसन पढ़ने के बाद इमेजिनेशन कीजिए, कल्पना कीजिए और फिर उसके आंसर से लिखिए, ठीक है? इसके बाद टाइम दोगे हम लिखने में? हाँ हाँ, अभी कितनी देर का टाइम दोगे मैम लिखने के लिए? ये आप मैंने उसके लिए एक पेज सैटरडे करा दो, कंप्लीट करके मुझे पीडीएफ बनाकर भेज दीजिएगा। यस मैम, है ना? तो आपने क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग में दिए है ना? सैटरडे तक आप लिखकर आपका कंप्लीट हो जाएगा लेसन अपना सैटरडे तक, तब तक आप इस लेसन को कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे पीडीएफ बनाकर भेज दीजिएगा। जहाज पर नौकरी करता था, पहले में आएगा जहाज, फर्स्ट वाला है जहाज, जहाज चश्मा भी नहीं है यहाँ पे, छोटे छोटे लोगों की भीड़ हथियार लेकर मेरे साथ साथ चल रही थी। दूसरे में हथियार, ये हथियार करना है, कॉपी में नहीं करना है। विषैले तीरों से भरी
क्या करते थे? आज भी मैं उस विचित्र यात्रा को नहीं भूल पाता हूँ। विचित्र हथियार विचित्र है ना, दूसरे ने हथियार किसी विचित्र, ये आप कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। लिलीपुट के सभी मकान किसकी तरह है? खिलौनों की तरह। खिलौनों की तरह राइट करिए, खिलौनों की तरह पर। किस देश के बादशाह ने जहाजी बेड़ा बना लिया था? राइट लगा दी। जहाजी बेड़ा क्या होता है? जहाज की पूरी एक लाइन तैयार कर देना। यस मैम। अब मैं म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग थोड़ा सा शोर आ रहा है मेरे को। नो मैम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सागर के किनारे जब पहली बार गुलिवर की नींद खुली तो उसने क्या देखा? उत्तर लिखिए इसका। सागर के किनारे जब पहली बार गुलिवर की नींद खुली उसने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। उसने देखा कि छोटे छोटे मनुष्य शरीर पर चढ़ रहे हैं। गुलिवर ने राजा से क्या प्रार्थना की और राजा ने किस शर्त पर उसकी प्रार्थना स्वीकार की? गुलिवर ने राजा से प्रार्थना की और
कि वे उसे छोड़ दे। राजा ने गुलिवर की प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि वह बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा। और लिलीपुट वासियों की मदद करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, गुलिवर ने लिलीपुट के राजा की मदद कैसे की? इसका उत्तर फर्स्ट वाला रख कर रही हूं मैं। एक बार मैं पढ़ के सुना देती हूँ दोनों उत्तर आपको, तो आप सुन लीजिए ध्यान से। सागर, पहला प्रश्न है, सागर के किनारे जब पहली बार गुलिवर की नींद खुली तो उसने क्या देखा? उत्तर सुनिए, सागर के किनारे जब पहली बार गुलिवर की नींद खुली तो उसने अपने आप को पतले पतले धागों से बंधा हुआ पाया। उसने देखा कि छोटे छोटे मनुष्य उसके शरीर पर चल रहे हैं। प्रश्न 2 है, गुलिवर ने राजा से क्या प्रार्थना की और राजा ने किस शर्त पर उसकी प्रार्थना स्वीकार की? गुलिवर ने राजा से प्रार्थना की कि वे उसे छोड़ दे। राजा ने गुलिवर की प्रार्थना इस शर्त पर स्वीकार की कि वह बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाएगा और लिलीपुट वासियों की मदद करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, गुलिवर ने लिलीपुट के राजा की मदद कैसे की? गुलिवर ने पड़ोसी देश के बादशाह के आक्रमण से वासियों को बचाया। गुलिवर ने कुछ रस्सियां और कांटे लेकर
और कांटे लेकर लेक स्कूल की खाड़ी में खड़े हुए सभी जहाजों को फंसा लिया फंसा कर लिलीपुट की ओर ले चला इस तरह गुलिवर ने लिलीपुट की लिलीपुट के राजा की मदद की। इस तरह लिलीपुट में इस तरह गुलिवर ने लिलीपुट के राजा की मदद की। ठीक है, तीन प्रश्न लिखित के और तीन प्रश्न मौखिक के, ये आपको 6 क्वेश्चन आज अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ठीक है, जिन लोगों का शब्दार्थ शुक्लेख और एक पेज राइटिंग बचा है उनके लिए डबल वर्क हो गया है, कल का भी हो जाएगा आज का भी हो जाएगा। तो आज आपको 3 क्वेश्चन मौखिक वाले और ये 3 क्वेश्चन लिखित वाले, ये आपको कॉपी में कंप्लीट करना है, बाकी एक्सरसाइज आपको बुक में ही करना है। और इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है पार्ट से आगे वाले वो मैं कल कराऊंगी अभ्यास भाषा, या तो हम बाकी जो बचा है कल करेंगे। ठीक है, तो इतना वर्क आप कंप्लीट करिए, सैटरडे तक पूरी कॉपी आपकी ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपकी कॉपी में भी कंप्लीट होना चाहिए, जो जो मैं लिखवा रही हूँ कॉपी में वो पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो इतना ये वर्क कंप्लीट कर लीजिए।